जुगाड़ वाली हाईटेक तकनीक से मंडला जिले के नारायणगंज क्षेत्र में एलपीजी का अवैध कारोबार का खुलासा टिकरिया पुलिस ने किया है। आरोपी एलपीजी रसोई गैस रिफिलिंग किट से चोरी कर एलपीजी कैप्सूल टैंकर में भरते थे और 15 दिनों में टैंकर को अन्य जिलों के लिए रवाना कर देते थे। रसोई गैस की कालाबाजारी का ये हाई प्रोफाइल मामला है। मुख्य आरोपी और टैंकर चालक फरार हैं। टिकरिया पुलिस ने दो लोगों पर मामला दर्ज कर करीब 25 लाख का सामान जब्त किया है। मामले में जांच कार्रवाई जारी है। बताया गया है कि टिकरिया थाना क्षेत्र के गांव कुम्हा में मुबारक अली के घर में पुलिस को सूचना मिली कि यहां अवैध तरीके से टैंकर में एलपीजी रिफिलिंग की जाती है। टीआई टिकरिया माधव सिंह ठाकुर और तहसीलदार नारायणगंज शांतिलाल विश्नोई की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर रेड कार्रवाई की गई। यहां मुबारक अली के घर के सामने आंगन में अनाधिकृत रूप से छोटा हाथी वाहन क्रमांक MP41LA0201 में एलपीजी गैस रिफिलिंग किट के साथ 800 किलोग्राम की गैस टंकी भी लगी थी। इसी के साथ अशोक लीलैंड कंपनी का ट्रेलर गैस कैप्सूल क्रमांक MP09HF6415 अवैध रूप से एलपीजी से भरा हुआ खड़ा था। घर की तलाशी लेने पर 8 नग एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए।